स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा। नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ स्वाति। लाडली बहनों के लिए बड़ी खबर है। आपको बता दें, लाडली बहना योजना में आवेदन करने का एक और मौका मिला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने योजना की दूसरी किस्त जारी करने के दौरान कहा कि अब 25 जुलाई से फिर फॉर्म भरे जाएंगे। इसमें 21 से 22 साल की विवाहिता भी आवेदन कर सकती हैं। बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में बहनें आवेदन नहीं कर पाई थी। उनकी नाराजगी का फीडबैक संगठन ने सरकार तक पहुंचाया था। अभी प्रदेश में 1.25 करोड़ लाडली बहना है। बीते दिन सुपर कॉरिडोर पर लाडली बहना सम्मेलन में सीएम ने 1-1 हज़ार की दूसरी किस्त जारी की है। उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश के इतिहास में 10 तारीख का दिन अमर हो गया है। ये नया जमाना लाने की शुरुआत का दिन है। इस दिन हर महीने बहनों के खाते में पैसे आएंगे। अभी यह 1,000 है, जिसे हम 3,000 तक लेकर जाएंगे। ये केवल पैसा नहीं है बहनों, तुम्हारा सम्मान व आत्मविश्वास है। मेरी कोशिश है कि हर माह बहनों की आमदनी 10,000 रुपए तक जाए। मैं 5 साल में ऐसा करूंगा। गांव व शहर में स्वयं सहायता समूह बनाकर धीरे धीरे आमदनी बढ़ाऊंगा। हम अलग अलग तरह के काम करेंगे। इसके लिए बैंक से भी पैसा मिलेगा, जिसकी गारंटी मैं लूंगा। केवल 2% ब्याज पर पैसा मिलेगा, बाकी का ब्याज तुम्हारा भाई चुकाएगा। आपको बता दें, ने लाडली बहना सेना पर फोकस किया है। छोटे छोटे गांवों से लेकर शहर के वार्डों तक इसके गठन की बात कही है। कहा, ये सेना महज सूची तक सीमित नहीं है। मैं अधिकार दे रहा हूं कि प्रशासन के साथ मिलकर सेना बेटी और बहनों से जुड़ी योजनाओं को लागू कराएगी। बहनों को सबला बनाने के लिए सेना बनाई गई है। समय समय पर मैं बहनों से रिपोर्ट लूंगा। उन्होंने कहा, 26 जुलाई को 12वीं में 70% अंक लाने वाले बच्चों को लैपटॉप दिए जाएंगे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इन दिनों लाडली बहनों को नाई चला रहे हैं, जिससे वे लाडली बहनों को सशक्त बना सकें। वहीं बड़ी संख्या में 21 से 23 साल की विवाहित युवतियां योजना का लाभ नहीं ले पा रही थी, जिनसे नियमों को लेकर नाराजगी भी जाहिर की थी। जिसके बाद सीएम ने लाडली बहनों की नाराजगी दूर की और योजना के नियम में परिवर्तन किया है। आपको याद दिला दें, साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर दोनों ही पार्टियां महिला वोटर्स को साधने का लगातार प्रयास कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शासन की जितनी अभिनव योजनाएं, अब लाडली बहना 25 जुलाई से फिर दो मापदंड जो पहले नहीं थे, 21 से लेकर 23 साल तक की बेटियां जो विवाहित है, और ट्रैक्टर वाले परिवार जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, वो भी इसमें सम्मिलित कर दिए गए हैं। और अभी ये दो श्रेणियां, बाकी शेष वाले आवेदन अपना देंगे। तो ये 25 जुलाई से आवेदन लेके छानबीन करके 1-1.5 महीने में ये पूरी कवायद पूरी कर ली जाएगी, बाकी को भी लाभ मिलेगा। स्पॉन्सर्ड बाय RS एकेडमी, एड्रेस टॉप फ्लोर, रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा।